अपनी बेटी निरुपमा की डेथ के बाद करनसन भाई पटेल ने उसी के घर पे बुलाए जाने वाले नाम निर्मा से निर्मा वॉशिंग पाउडर बनाने की शुरुआत करी। उन्होंने अपनी बीएससी इन केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस के दम पर अपने घर के बैकयार्ड में ही ये वॉशिंग पाउडर तैयार करना शुरू कर दिया था। वो रोज सुबह अपनी साइकिल पे ऑफिस जाते समय निर्मा को डोर टू डोर सेल करते हुए निकलते और ऑफिस खत्म होते ही दोबारा ये बेचते हुए घर आ जाते थे। करनसन भाई ने 3 साल इसे ऐसे ही बेचा और इन 3 सालों में उन्हें काफी टाइम मिल गया अपना कंज्यूमर बेस बनाने का और साथ ही साथ खुद को और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते चले जाने का। 1969 में जहां एक तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ 13 रुपए में बिक रहा था, वहीं वो निर्मा को सिर्फ 3.5 रुपए में बेचकर मिडिल क्लास लोगों को खुश कर रहे थे। फिर 1972 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अहमदाबाद के एक छोटे से इलाके में दुकान खोल ली और यहीं से उनके प्रोडक्ट ने लोकल लोगों के बीच तेजी पकड़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे उनका काम बढ़ता चला गया, वो सेल्समैन और वर्कर्स को हायर करते चले गए और इसी तरह कुछ सालों के अंदर अंदर निर्मा ने गुजरात में अपनी पकड़ बना ली। बट गुजरात से बाहर निकलकर निर्मा को बाकी सिटीज में काफी निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां रिटेलर्स उनसे क्रेडिट पर माल उठाते थे और जब कई महीनों बाद उनका सेल्समैन पेमेंट कलेक्ट करने आता तो दुकानदार या तो उसे भगा देता था या फिर पैसों को अगले महीने पे टाल देता था। उस समय मार्केट में बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के बीच निर्मा सर्वाइव भी नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे उसका सेल्स ग्राफ भी गिरने लगा था। ये देख के करनसन भाई ने अपने सभी एम्प्लॉयज की इमीडिएट मीटिंग बुलवाई और सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए कि जो पेमेंट करता है करे, नहीं तो मार्केट से अपना सारा माल उठवाओ और आगे की सप्लाई भी रोक दो। रातों रात मार्केट से निर्मा गायब हो जाने के बाद सभी रिटेलर्स और कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा झटका लगा, बट करनसन भाई के दिमाग में एक अलग ही गेम चल रही थी। उस समय हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा था और लोगों के घरों में टीवी भी बहुत तेजी से पहुंचते चले जा रहे थे, तो जैसे ही उनका स्टॉक मार्केट से वापस आया, उन्होंने अपना सारा पैसा दूरदर्शन पर एक महीना एड पे एड चलवाने में लगा दिया। इस एड ने मार्केट में इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ा कि अब हर किसी को बस निर्मा ही चाहिए था। लोग डेली दुकानों पे निर्मा मांगने पहुंच जाया करते पर निर्मा कहीं मिल गई नहीं राजी। दुकान वाले भी इतने दुखी हो गए कि पीछे से निर्मा वाले सप्लाई नहीं दे रहे और लोगों की डिमांड पे डिमांड आई जा रही है। करनसन भाई ने फिर से अपनी टीम की मीटिंग बुलवाई और इस बार निर्मा की सप्लाई कंटिन्यू करते हुए उन्होंने सबके हाथ में एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेपर पकड़वा दिया, जिसमें मोटा मोटा ये लिखा हुआ था कि अब से निर्मा कोई भी माल क्रेडिट पे नहीं देगी, कैश ऑन डिलीवरी करो और चलते बनो। इस एक डिसीजन ने रातों रात उनके ब्रांड की इमेज बदल दी और उन्हें उस वक्त के टॉप बिजनेस प्लेयर्स की लाइन में जोड़ दिया और आज निर्मा 15,000 एम्प्लॉयज तक को जॉब प्रोवाइड करती है। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की चकाचौंध में हमें एक कामयाब इंसान का संघर्ष नहीं दिखता, उसके महंगे कपड़ों के नीचे धूप में तपा शरीर नहीं दिखता। जिस मुकाम पर आज वो पहुंचे हैं उस मुकाम का चुकाया मुआवजा नहीं दिखता।